बेटियां साक्षात लक्ष्मी होती हैं, ये बात अब केवल कहने भर की नहीं रही है। ये बात सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में साबित भी हो रही है, जहां नववर्ष में 5 बेटियों ने जन्म दिया और इन सभी बच्चियों को पैदा होते ही शूलनी सेवा दल ने 5100 रुपए की राशि प्रदान की और समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया कि परिजन बेहद सौभाग्यशाली हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। वहीं इस मौके पर शूलनी सेवा दल ने अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए और उनके मंगल भविष्य की कामना भी की। शूलनी सेवा दल के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से नववर्ष में जन्मी बेटियों को 5100 रुपए की राशि प्रदान करते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटियां सभी के लिए भाग्यशाली होती हैं और वे अनमोल होती हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 5 बेटियों ने जन्म लिया था जिन्हें संस्था की ओर से 5100 के चेक प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि उनका ये अभियान भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगा और इसके माध्यम से वे यही संदेश देना चाहते हैं कि बेटियाँ अनमोल हैं। सर, आज के डेट में जैसे आप देखते ही हैं, कहीं ना कहीं जो लड़कियों को कहीं ना कहीं कई बार आप देखते हैं कि उन्हें हमारा अनुपात कम हो रहा है किसी ना किसी वजह से, और उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि लड़कियों को आप लड़कियों को बोझ ना समझें, ये हमारे जीवन का अंश हैं। अगर लड़कियां नहीं होगी तो हमारी सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती, इस चीज़ को लोग समझें, और इस चीज़ के लिए हमारी संस्था ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। आज ये हमारा 4th साल है। अब यहाँ पर बेटी बचाओ अभियान के तहत रीजनल हॉस्पिटल सोलन में जो भी न्यूली बॉर्न गर्ल चाइल्ड होते हैं, हम उन्हें 5100 रुपये की राशि प्रत्येक को प्रदान करते हैं और पूरे के पूरे हॉस्पिटल में मरीजों को फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हमारी संस्था द्वारा किया जाता है। ये हमारा एक कार्यक्रम है कि जिसमें हम गर्ल चाइल्ड को प्रोत्साहन देने के लिए उनके माँ बाप को एक अपना एक छोटा सा अंश उसमें हम एक प्रदान करते हैं। इस साल 5 लड़कियां हुई हैं जो हमारी 31 से रात से लेकर और आज तक सुबह तक होती हैं, उसमें 5 लड़कियाँ हैं। हमने 5 के 5 को 5100 रुपये प्रत्येक को दिए हैं।